मॉल के बाहर खड़ा आइसक्रीम खा रहा होता है। तभी एक सुंदर सी लड़की वहाँ से शॉर्ट ड्रेस में गुजरती है। उसे देखते हुए पीकू बोलता है, ओहो क्या माल जा रहा है, प्रेम देख कितनी मस्त लड़की है, बिल्कुल जहर टाइप। अबे तुझे मजा आता है क्या ऐसे फालतू में लड़कियों को ताड़ने में? और माल वाल मत बोला कर, भूल मत तेरी बहन भी लड़की ही है। चल ठीक, मैं माल नहीं बोलूंगा, पर तू एक बार देख तो ले कितनी जहर टाइप है, तू भी ताड़ ले। तू ही करिए सब, मुझे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए जो मैं उनके पीछे पीछे डोलूं। भगवान जी ने मेरे लिए पहले ही कोई लड़की ढूंढ ली होगी। पर तुझे कैसी लड़की चाहिए, मतलब जो भगवान जी तेरे लिए भेजे, कैसी होगी वो? बिल्कुल स्वीट और सिंपल, जिसके माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी हो कि किसी का दिल घायल हो जाए, श्रृंगार के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर मुस्कान हो, लंबे घने से कमर तक बाल हो, पहनावे में बाकी लड़कियों की तरह स्टॉप ना होकर सूट सलवार पहनने वाली हो, वो हो ऐसी जैसी सादगी से भरी हो। अरे लगता भगवान ने तेरी सुन ली, और वो भी इतनी जल्दी। क्या मतलब? मतलब वो देख तेरे पीछे ही खड़ी है वो लड़की। पीकू के कहने से वो जैसे ही उस लड़की को देखता है तो बस देखता रह जाता है। तब पीकू उसका मुंह बंद करता है और बोलता है, अरे अब क्या ताड़ता ही रहेगा, उसके पास जा बात कर। नहीं मुझे डर लग रहा है, कैसे बात करूं? अरे जाना पागल, फिर वो चली जाएगी, जाके बात कर। यार मेरी हालत खराब हो रही है, क्या बोलूंगा मैं? अरे पागल अपने दिल की बात बोलना, लगता तू ऐसे नहीं जाएगा, अब तू देख। ये बोलकर पीकू उसे जोर से धक्का देता है और वो उस लड़की साधना के आगे गिर पड़ता है। तभी साधना उसे उठाते हुए बोलती है, अरे आप ठीक तो है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? प्रेम उसकी आंखों में देखकर खोसा जाता है, साधना उसे बोलती है, लेकिन उस वक्त वो बेसुध हो जाता है। तभी साधना उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, हेलो आप ठीक तो है, सुनिए। जी मैं ठीक हूँ, वो नीचे पैरों में रस्सी अटक गई थी इसीलिए गिर गया। पर यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। जी वो अभी यही नीचे पड़ी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, उससे ही गिरा था मैं। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, अब आप आराम से चलिएगा। जी जी। साधना इतना बोलकर आगे चली जाती है, तभी पीछे से आकर प्रेम उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे आता देखकर साधना बोलती है, जी आप फिर से, ऐसे कैसे? जी दिल से, आई मीन दिल से आपको थैंक यू कहने आया हूँ, बोला नहीं था ना मैंने आपको। इट्स ओके, अब मैं चलती हूँ। नहीं जी मेरा मतलब आपको कुछ कहना था। क्या कहना था? जी वो आप मारेंगी तो नहीं ना? जी मैं नहीं मारूंगी, आप बेझिझक बोलिए। जी वो मैं आप बहुत अच्छी लग रही हैं सूट में, आप बहुत स्वीट और सिंपल हैं, बिल्कुल सादगी सी है आप में, और आपको देखकर पहचान सकता हूँ, काजल है, लबों पर कोई लिपस्टिक नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट है। अभी दो मिनट पहले ही तो इसने मुझे देखा था और इतनी जल्दी पहचान भी लिया कि मैंने काजल ही लगाया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाय कितना अच्छा है, आज तक किसी ने मेरी ऐसी तारीफ नहीं की है, और देखो तो सही घबराते हुए कैसे आंखें बंद करके बोल रहा है। आपने इतनी जल्दी कैसे महसूस कर लिया, मेरा मतलब आपको कैसे पता चला कि मैंने मेकअप नहीं किया है? बस पहचान लिया, आपकी सादगी ने मुझे बता दिया। वैसे थैंक यू, जैसी तारीफ आज आपने मेरी की है ना, ऐसी तारीफ मेरी कभी किसी ने नहीं की, इतने दूर होकर भी आपने मुझे बड़े करीब से जाना है। जी वेलकम, आप है ही इतनी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। जी मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम प्रेम है। हाय नाम भी प्रेम है। मेरा नाम साधना है। अरे आपका तो नाम भी बिल्कुल आपकी तरह है, सादगी वाला। जी अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ कॉफी पर चल सकती हैं। अरे इतनी जल्दी, अभी तो बस हमने एक दूसरे का नाम ही जाना है, ठीक से बातें भी नहीं हुई हैं, इतनी जल्दी कॉफी पर भी? जी मुझे लगा आप जाएंगी, पर कोई बात नहीं साधना जी, ऐसे ही ठीक है, बाय चलता हूँ। प्रेम जैसे ही जाता है तो साधना उसे आवाज देती है, प्रेम कहाँ जा रहे हो, अरे कॉफी पर नहीं ले जाओगे मुझे? प्रेम ये सुनकर खुशी से फूल जाता है और कहता है, जी जी जरूर मैं आपको ले जाऊंगा, चलिए। प्रेम उसे अपने साथ कॉफी पर ले जाता है, जहां दोनों धीरे धीरे अपनी बात शुरू करते हैं। तभी प्रेम उसे बहुत देर तक निहारता है और साधना बोलती है, क्या बात है ऐसे घूर क्यों रहे हो, कुछ कह दे क्यों नहीं? आपसे नजरें हटेंगी मेरी, जब भी तो कुछ कहूँगा। वैसे आपके लिए एक शायरी करना चाहता हूँ, क्या मुझे इजाजत है? बिल्कुल फरमाइए। यूँ तो माना कि सादगी का दौर है नहीं, लेकिन मुझे सादगी के अलावा कुछ और पसंद है भी नहीं। वाह वाह आप तो बड़ी अच्छी शायरी कर लेते हैं। जी कभी कभी। अच्छा है, फुर्सत हो तो थोड़ी बहुत शायरी मुझे भी सिखा देना। थोड़ी क्या, अच्छे से ट्रेन कर दूंगा, पर उसके लिए हमें दोस्त होना और मिलना जरूरी था।
हाँ इसलिए तो बोला। इसका मतलब अब हम दोस्त हैं और मिल सकते हैं? हाँ मिल सकते हैं प्रेम, लेकिन एक शर्त पर कि अब से हम दोनों एक दूसरे को आप नहीं बल्कि नाम लेकर बुलाएं। ठीक है साधना जी, मेरा मतलब साधना। ओके प्रेम चलती हूँ, कल यही मिलते हैं 6 o'clock, बाय। साधना उसे बाय करके चली जाती है और खुशी से प्रेम वहीं नाचने लगता है। आसपास के सभी लोग उसे देखने लगते हैं और वो शर्मा कर वहीं बैठ जाता है और उसके लिपस्टिक वाले कप को हाथ में लेकर प्यार से देखने लगता है। ऐसे ही अगले दिन साधना उससे मिलती है और दोनों की बातें और मुलाकातें अब थोड़ी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन प्रेम उसके पास आता है और बोल, पहले आंखें बंद करो। साधना अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी प्रेम उसके सामने अपना हाथ आगे करके आंखें खोलने को कहता है। तो प्रेम के हाथ में छोटे छोटे झुमके देखकर साधना बोलती है, वाओ प्रेम ये बहुत सुंदर है, थैंक यू जो तुम इसे मेरे लिए लेकर आए, मैं इसे पहन लूं? अच्छे लगे ना तुम्हें, लाओ मैं पहना देता हूँ। प्रेम उसे वो झुमके पहना देता है जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है और प्रेम बोलता है, अरे आईने में तो देख लो एक बार खुद को। मेरा आईना तुम्हारी आँखें है और तुम्हारी आँखें साफ साफ बता रही है कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। ओहो मेरी प्यारी साधना, इतनी प्यारी बातें कैसे कर लेते हो? मुझे पता था जो तुम्हारी सादगी है उसके लिए इससे अच्छे झुमके कोई और हो ही नहीं सकते। अच्छा सुनो ना, मम्मी पापा से शादी की बात भी कर लो, अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। ठीक है जान, कल ही कर लूँगा शादी की बात। ठीक है जान। दोनों साथ में बैठे होते हैं कि प्रेम एक शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की को देख कर मुस्कुराने लगता है। ये चीज साधना नोटिस कर लेती है। अगले दिन ही बहुत प्यार के साथ प्रेम अपनी माँ को लेकर साधना के घर रिश्ते की बात करने जाता है। प्रेम बहुत ही प्रेम से सबसे बात करता है और सबका दिल जीत लेता है, जिसके बाद साधना के मम्मी पापा उसके रिश्ते के लिए मान जाते हैं और अगले हफ्ते ही दोनों की शादी धूमधाम से करवाते हैं। शादी के रात दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के हो जाते हैं और बहुत ही सहजता और सादगी के साथ साधना प्रेम के घर को संभाल लेती है। कुछ दिनों बाद जब प्रेम का बर्थडे आता है तो साधना बोलती है, आज मेरी जान का बर्थडे है जिससे मेरा हर दिन है, इसलिए आज तो अपनी जान को खुश करना बनता है। क्या करूं, क्या सरप्राइज दूं ऐसा जिससे वो बहुत खुश हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। याद आया, उस दिन जब वो शॉर्ट ड्रेस देखकर मुस्कुरा रहे थे, हो ना हो उन्हें वो जरूर पसंद होगा, आज मैं उन्हें शॉर्ट ड्रेस पहनकर हैप्पी कर दूंगी। ऐसे कभी पहना तो नहीं है पर अपने जान के लिए पहन ही लूंगी। शाम को घर में अंधेरा होता है, जैसे ही प्रेम आता है तो लाइट जलती है और साधना पार्टी पॉपर्स को उसके ऊपर ब्लास्ट करके बोलती है, हैप्पी बर्थडे प्रेम। साधना कैसी लग रही हूँ मैं? तुम्हारे खास दिन के लिए पहना है मैंने आज इसे। आउच। आराम से साधना, और ये क्या पहना है तुमने? अरे जब पहना नहीं जाता तो क्या जरूरत है तुम्हें पहनने की? प्रेम मैंने तुम्हारे लिए। साधना ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तुमसे तुम्हारी सादगी देखकर प्यार किया है, इसीलिए कि तुम बाकी लड़कियों की तरह ये पहनो। तो तुम उस दिन उस शॉर्ट ड्रेस वाली लड़की को देखकर स्माइल के पास कर रहे थे, तुम्हें ऐसी लड़कियाँ पसंद है ना, इसलिए। नहीं साधना, वो तो उसके हाथ में बेबी था, उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तुम भी ना, देखो शादी के बाद मेरा वाले अवतार में आओगी वरना मैं केक कट नहीं कर पाऊंगा। सॉरी प्रेम मैं अभी आई, बस चेंज कर। साधना इतना बोलकर कुछ देर बाद एक प्यारी सी साड़ी में आती है, फिर प्रेम के साथ केक कट करवा के उसे खिलाती है और दोनों रोमांटिक तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दीपाली अपने कमरे में बैठी इंस्टाग्राम चला रही थी, जहां वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रोफाइल चेक करती है और देखती है कि किस तरह उसकी दोस्त शादी के बाद मजे से खर्चे कर रही है। अपनी सहेली की ये पिक्चर्स देखकर दीपाली अपने आप से बोलती है, वाओ मुझे गहने बहुत पसंद है, ये गोल्ड और डायमंड तो मेरे फेवरेट है, कहीं से मिल जाए ना, हाय मैं तो लेकर ही भाग जाऊं, कितनी अच्छी लगूंगी मैं इन्हें पहनकर। शाम को जब शाहिद घर आता है तब, शाहिद जी मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे, ऐसा भी क्या चाहिए? आप कल मुझे शॉपिंग पर ले जाइए ना। क्या करोगे इतनी शॉपिंग करके, ऑलरेडी इतना सब कुछ है तो सही तुम्हारे पास? इसका मतलब यही ना कि आप मुझे कुछ नहीं दिलाएंगे? हाँ सही कहा ना मैंने, ठीक है।
मुझे आपसे ना बात ही नहीं करनी, जाओ आप। अरे जानू, नाराज क्यों होती हो, कल चलेंगे ना हम, अब खुश। ऐसे ही अगले दिन शाहिद अपनी पत्नी को लेकर मॉल जाता है और उसे वहाँ गोल्ड की ज्वेलरी और बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिलवाता है। दीपाली खुशी खुशी अपने ससुराल में दिन बिता रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मंजू उसे बोलती है, अरे दीपाली बहू, अरे घर में बहुत सारी धूल मिट्टी काफी समय से जमा हो गई है और तू पूरा घर साफ कर दे। हाँ माँ जी, सब कर दूंगी, चिंता नहीं करो आप। ठीक है, मैं जब तक मंदिर जा रही हूँ, तू सारा काम खत्म कर लियो। मंजू मंदिर चली जाती है और दीपाली घर की साफ सफाई में लग जाती है। सफाई करते करते वो घर के बेसमेंट में जा पहुँचती है। अरे ये कौन सी जगह है? लगता है सासू माँ ने घर में कोई तहखाना बना रखा है और किसी को बताया भी नहीं, पर यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? दीपाली वहाँ से बाहर आती है और रसोई से मोमबत्ती जलाकर वापस उसी जगह पहुँच जाती है। वो चारों तरफ देखती है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, साथ ही बहुत ज्यादा पुराना भी है। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर जाती है जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा है। वो संदूक को साफ करना शुरू कर देती है और ताला खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। तभी मंजू भी घर वापस आ जाती है और चाबी को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में जा पहुंचती है। अरे ओ करम जली नास पीटी, तुझे घर की साफ सफाई करने को बोला था, तू यहाँ क्यों आई? माँ जी, मैं सफाई करते करते यहाँ पर पहुँच गई थी। देखिए ना, यहाँ पर सब कुछ इतना पुराना क्यों है? मैं तो यहाँ पहली बार आई। माँ जी, यहाँ सब कुछ बहुत गंदा है, रुको मैं साफ करके आती हूँ। बिल्कुल नहीं, और तू दोबारा यहाँ नहीं आएगी, समझी? पर क्यों माँ जी, और ये देखो ना ये संदूक, छी इतना गंदा हो गया है, रुको इसे खोलकर देखते हैं इसमें क्या है। तुझे एक बार बोल दिया ना, तू जा यहाँ से और दोबारा इस संदूक को कभी हाथ मत लगाना। जी माँ जी। एक दिन दोपहर को जब मंजू घर पर नहीं होती तो दीपाली वापस से बेसमेंट में जाती है और संदूक का ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मंजू आ जाती है और बोलती है, अरे तुझे मना किया था ना मैंने कि यहाँ मत आना और संदूक को हाथ मत लगाना, फिर क्यों आई यहाँ पे? माँ जी, आखिर इस संदूक में ऐसा भी क्या है जो आपने इसे इतना छुपा कर रखा है? मंजू दीपाली को बेसमेंट से बाहर ले आती है और उसे घड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। मंजू को संदूक का राज खुले जाने का डर सताने लगता है और वो अपने राज को छुपाने के लिए एक तरकीब सोचती है। ऐसे ही जब रात को दीपाली अपने कमरे में सो रही होती है तो उसे पायल के छनकने की आवाज आती है। वो उठकर चारों तरफ देखती है और उसे कोई नजर नहीं आता। छन छन की आवाज अब भी उसे सुनाई दे रही होती है। वो आवाज का पीछा करते करते अंधेरे बेसमेंट में जा पहुंचती है। यहाँ उसे एक बिखरे बालों वाली औरत खड़ी नजर आती है जिसके हाथों में वही संदूक था। ए लड़की, ये संदूक मेरा है, हजारों सालों से मैंने इसे संभाल कर रखा है और तू इसे खोलना चाहती है। आज के बाद अगर तूने इस संदूक को हाथ लगाया तो तेरे सारे खानदान की मुंडी काट कर इसी संदूक में डाल दूंगी, समझी? दीपाली बहुत ज्यादा डर जाती है और वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसका डर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सुबह होते होते वो तेज बुखार में तपने लगती है। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू, कब से देख रही हूँ कि तू नीचे आएगी, लेकिन तू तो अपने कमरे में पसर कर लेटी हुई है, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, नीचे नीचे होता है माँ जी, मैंने देखा है। अपने डर को भुलाने के लिए दीपाली कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ को उस रात के बारे में सब कुछ बता देती है। वो उसे एक बाबा जी का पढ़ा हुआ भभूत देती है। कुछ दिन बाद दीपाली अपने ससुराल वापस आ जाती है और बेसमेंट में जाती है।
है। साथ ही अपनी माँ का दिया हुआ भभूत संदूक के आसपास छिड़क देती है। मंजू उसे ये सब करता हुआ देख लेती है और रात को एक बार फिर से मंजू भूतनी बनकर अपनी बहू के कमरे में जाकर बोलती है, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे कमरे और मेरे संदूक से दूर रहना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। देख देख मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ क्या करती हूँ। तभी अचानक से दीपाली अपनी माँ की दी हुई राख मंजू के ऊपर डाल देती है, जो उसकी आंखों में चली जाती है और मंजू को जलन होने लगती है और वो अपनी आलसी आवाज में बात करते हुए बोलती है, अरे बहू, अरे क्या कर रही है तू? ये क्या डाल दिया तूने मेरी आंखों में? देख कितनी जलन हो रही है। क्या कहा बहू? एक मिनट, माँ जी आप है ये? इतने दिनों से आप मुझे डरा रही थी, पर क्यों माँ जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताइए आखिर क्या राज है आपके इस संदूक का? वो संदूक मेरी सास का है, इसमें बहुत सारे गहने हैं। वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे लगता था कि तू मुझसे वो गहने मांग लेगी, इसलिए मैंने उसे संदूक में छुपा कर रखा। मेरे मन में लालच भर गया था। बस इतनी सी बात के लिए माँ जी आपने मेरे साथ ये सब किया? अरे माँ जी ये गहने आपके हैं, मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, आपके गहने नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने अपने लालच में तेरे साथ बहुत बुरा किया। अरे माँ जी माफी मत मांगिए, और आज के बाद है ना कभी मुझे भूत नहीं बन के मत डराना। दोनों सास बहू एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेती है और फिर दोनों मिलकर उस संदूक को खोलती है और गहने पहन पहन कर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। रेशमा बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी लड़की थी। उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। उसके परिवार में उसकी माँ तारा और पिता किशोर रहा करते थे। रेशमा को बाहर का खाना खाना बहुत पसंद था, जिसके चलते ज्यादातर उसका पेट खराब ही रहा करता था। ऐसे ही एक दिन तारा के दूर के रिश्तेदार काजल उससे मिलने तो उसके दिमाग में अपने भतीजे वरुण का ख्याल आता है, जिसके बाद वो इसी सिलसिले में तारा से बात करती है। अरे बहन, अपनी रेशमा तो बहुत बड़ी हो गई है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, तुमने कोई लड़का देखा या नहीं? हाँ हाँ बहन जी, बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो मैं अपनी लाडू के हाथ पीले कर दूंगी। वैसे मेरी नजर में है एक लड़का, अगर तू कहे तो मैं तुझे दिखाऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिखा ना लड़के की फोटो। ये देख मेरा भतीजा वरुण, बहुत ही अच्छा खानदान है और देखा भाला लड़का है, हमारी रेशमा को बहुत खुश रखेगा, तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊं। लड़का तो बड़ा चोखा है, एक काम करिए आप, बात चला ही दीजिए। ऐसे ही काजल रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए वरुण और उसकी माँ वंदना के साथ रेशमा को देखने और रिश्ता पक्का करने के लिए उनके घर आती है। रेशमा और वरुण एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद कर लेते हैं। उन दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रेशमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है, पर जब भी उसके घर में बाहर से कुछ आता या घर में कुछ अच्छा बनता तो वो अपने खाने पर कंट्रोल खो देती और बेसब्र होकर खाने पर टूट पड़ती। ऐसे ही एक दिन वरुण का प्रमोशन हो जाता है और वो घर में सबके लिए फ्रेंच फ्राइज, चिली पोटैटो और साथ ही बहुत सारी फास्ट फूड की आइटम्स लेकर आता है, जिसे देख रेशमा बेसब्र होकर उन्हें खाने लगती है और ऐसे में वरुण को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। क्या है रेशमा ये, तुम तो खाने पर ऐसे टूट पड़ती हो मानो तुम्हें तो कभी कुछ मिला नहीं खाने का। अरे तो करेगी भी क्या, इतना सब कुछ इसने सपने में ही देखा होगा, कभी खाया तो होगा नहीं इसने। अपने पति और सास की बातें सुनकर रेशमा की आंखें भर जाती है और वो अपना खाना लेकर वहाँ से चली जाती है और आराम से खाने लगती है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे अपने पेट में थोड़ी हलचल महसूस होती है। वो तैयार होकर रसोई में नाश्ता बनाने जाती है कि तभी उस
पेट में बहुत ही जोर से आवाज आती है और वो वहाँ से हवाई जहाज की तरह भागकर सीधे वॉशरूम में जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी सास रसोई में उसकी मदद करवाने आती है पर रेशमा के पेट में से फिर आवाज आती है और वो गोली की तरह वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही बाहर आ जाती है ये सब होता देख वंदना बोलती है, अरे बहू क्या हो गया तुझे? पैरों में पहिया लगाकर कहाँ भागी जा रही है? सब ठीक तो है ना चुटकी बजा के? कुछ भी तो नहीं माँ जी, सब ठीक है। कुछ नहीं हुआ तो जितनी रफ्तार से भागी जा रही है उतनी ही रफ्तार से हाथ चला और टेबल पर खाना लगा दे, वरुण अभी आता ही होगा, समझी चुटकी बजा के। रेशमा जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाने लगती है पर बार बार उसके पेट में तेज मरोड़े उठने के कारण वो बार बार वॉशरूम चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर रेशमा के लूज मोशन ठीक होने का नाम ही नहीं लेते जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। ऐसे ही एक रात, रेशमा डार्लिंग कहाँ हो तुम? जी मैं यहाँ हूँ। अरे वहाँ क्यों हो तुम, मेरे पास आओ ना, कितना टाइम हो गया अच्छा वक्त गुजारे हुए, आओ ना जल्दी। हाँ हाँ जानू आओ ना। आई लव यू मेरी जान। वरुण जैसे ही रेशमा को किस करने लगता है तभी रेशमा के पेट में जोर से मरोड़ा उठता है और वो वरुण को धक्का देकर जल्दी से सीधे वॉशरूम भाग जाती है। 5 मिनट बाद जब वो बाहर आती है तो वरुण को बोलती है, सॉरी सॉरी वरुण, मैं जानू नेचर कॉल था इसलिए जाना पड़ा, अब नहीं जाऊंगी, आई लव यू टू। और एक बार फिर से वरुण उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन दोबारा उसके पेट में तूफान उठता है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। ये सब देखकर वरुण बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, रेशमा तुम ठीक तो हो ना, तुम बार बार वॉशरूम क्यों जा रही हो? ये रोमांस नहीं करना तो साफ साफ मना ही कर दो, बार बार भागे जा रही हो, भागे जा रही हो, भूतू क्या मैं? वो वरुण जी बात ये है ना कि कुछ दिनों से मुझे लूज मोशन है और अब तो और भी ज्यादा हो गए हैं। तो यार बता देती, ये लो दवाई खाओ और सो जाओ। कुछ दिनों बाद रेशमा फिर से बाहर का खा लेती है और उसके लूज मोशन दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वंदना के घर उसकी कुछ सहेलियां आती है जहाँ रेशमा मेहमानों को नाश्ता देने जाती है और जल्दी से सब कुछ टेबल पर रख कर बिना कुछ किसी को बोले वॉशरूम के लिए 9:00 हो जाती है। बार बार उसको वॉशरूम जाता देख वंदना की सहेलियाँ उसका मजाक बनाती हैं और जैसे ही रेशमा बाहर आती है तो वंदना उस पर भड़क पड़ती है। अरे निकम्मी निर्लज, अरे कौन से जन्म का बदला ले रही है तुम मुझसे जो मेरी सबके सामने नाक कटवाती रहती है? अरे थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या तुझे चुटकी बजा के? माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मुझे लूज मोशन हो गए तो अभी से तो कोई रोक नहीं सकता ना, ये तो किसी को भी हो सकता है। आप अपना तेरा दवाई खाने का, फिर से 1-2 दिन बाद तुझे लूज मोशन लग जाते हैं और फिर से तू मेरी बेइज्जती करवा देती है चुटकी बजा के। थोड़ी देर बाद रेशमा चने और नान रोटी खा लेती है जिससे उसकी लूज मोशन की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिसके बाद वो बार बार वॉशरूम जाने लगती है। देखते ही देखते उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वरुण जल्दी से रेशमा को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करके उसे बताते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से रेशमा जी को लूज मोशन होता रहता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की काफी कमी हो गई है। प्लीज अगर आपको उनकी लाइफ प्यारी है तो उनका ख्याल रखें। रेशमा डॉक्टर की बात को बहुत ही ध्यान से सुनती है और उसे समझती भी है और डॉक्टर के कहे अनुसार ही वो अपना खाना पीना दोबारा शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही वो अब बाहर का खाना भी हमेशा के लिए ठुकरा देती है और सादा और सिंपल खाना खाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वंदना भी उसे ताने देना बंद कर देती है और सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।